So here I am, welcome to the global menu and let's cook something Burmese. Burmese mein kya banaye? Samosa banaye? Bhai, samosa Burma mein bhi banta hai, aisa nahi hai ki sirf hamara, actually hamara nahi hai. Aur baatein karenge, pehle banate hain samosa soup. Ji haan, samosa tuk. Dalte hain thoda tel, sabut lal mirch, red chilies. Bhai, अब तो गुस्से में आके हम ग्रीन चिली भी डालें. ग्रीन चिलीज, बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज. नाउ इन अ लॉट ऑफ रेसिपीज आप देखेंगे कि मिर्च का इस्तेमाल है, प्याज का इस्तेमाल है, हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल है. बिकॉज बहुत समय तक म्यांमार और बर्मा वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल और हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक था. बहुत सारे लोग स्पेशली कैलकटा से, ढाका से बर्मा जाके बसते थे. बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन बर्मा में बसी हुई थी प्री इंडिपेंडेंस. काफ़ी लोग मूव हो गए. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द सर नेम बर्मन एक्चुअली केम फ्रॉम द बंगालीज हु यूज़ टू लिव इन बर्मा. कुछ भी हो सकता है. टू द अनियंस वी विल एड सम काला चना. जी हाँ, सोक्ड एंड बॉइल्ड काला चना, तूर दाल, सॉल्ट, टोमेटो प्यूरे, टोमेटो पेस्ट, इमली का पेस्ट. लेट्स स्टर इट अप एंड नाउ लेट्स ऐड द स्पाइसेस. देखिए, काफी लोग बर्मा में इन स्पाइसेस को ग्राइंड करके फ्रेशली फिर इस्तेमाल करते हैं. एक बड़ा बेसिक सा स्पाइस मिक्स है जिसमें ब्लैक पेपर, हियर वी गो, फ्रेशली ग्राउंड कोरिएंडर सीड्स, ट्यूमरिक हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला. मसालों को भूनना बहुत जरूरी है. लेट्स मेक श्योर दैट द मसालास गेट अ लिटिल बिट ऑफ हीट. लेट्स ऐड वाटर एंड लेट इट बॉयल. अब दूसरी तरफ करते हैं समोसा बनाने की तैयारी. समोसे की पट्टी आप ले लें. देखिए, इफ़ यू डू नॉट गेट दीज पट्टीज, जस्ट मेक रेगुलर समोसाज. द आइडिया हियर इज टू पेयर समथिंग क्रिस्पी विद द सूप. सो वी टेक द फिलिंग. बर्मीज समोसे में फिलिंग चना दाल की होती है. चना दाल बहुत इस्तेमाल होती है बर्मीज खाने में. एक्चुअली लॉट ऑफ लेंटिल्स आर यूज्ड इन बर्मीज फूड. एंड नाउ इफ यू केयरफुली लुक एट हाउ आई फोल्ड, हियर वी आर. और थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं लिजाम. सो दिस इज जस्ट वाटर एंड फ्लावर, मैदा और पानी. इसका हमने एक लिजाम बनाया हुआ है, एक लियाजों बनाया हुआ है. दैट्स इट एंड वी फोल्ड इट नाइसली. हियर यू आर, लुक एट दिस. थोड़ा सा स्किम कर देते हैं इसको. देखिए, जब भी आप कोई हाई प्रोटीन चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो मीट है या दाल है, उसके ऊपर झाग आएगा ही आएगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है. उसको स्किम करना बहुत ज़रूरी है. उससे फ्लेवर्स भी क्लियर होते हैं और लुक भी क्लियर होता है. हियर वी आर. लेट्स टेक आउट द समोसास. देखिए, समोसे को आप 80% कुक करके भी निकाल सकते हैं, बिकॉज गर्मी से इसमें रंग जो है वो आता रहेगा. आपको 100% पकाने की ज़रूरत नहीं है तेल में. इल कीप गेटिंग दैट नाइस गोल्डन ब्राउन कलर इवन इफ इट्स आउटसाइड. नाइस. अब इसके कलर को करते हैं थोड़ा ठीक और साथ में डालते हैं थोड़ा कोकोनट का फ्लेवर, जस्ट फॉर दैट फिनेस, दैट ग्लेज, दैट शाइन. द सूप इज रेडी, द समोसाज आर रेडी, the garnish is ready. Let's put the soup first. You have a lot of protein, so the soup is a full meal, right? And we will treat it like one. Cabbage and onion. Dekhiye, jaisa maine aapko kaha ki soup culture is amazingly huge in Burma, aur aajkal ek Burmese soup jo bada popular hai Hindustan mein, wo hai khaswe. Mere hisab se Hindustan mein agla sabse zyada popular hone wala soup होगा बर्मीज समोसा सूप. सम स्प्रिंग अनियंस और लाल मिर्च. तो अगली बार जब घर पे समोसे बच जाएं तो आपको पता है क्या करना है. एक लेंटिल सूप बनाना है, बीच में समोसे डालने हैं, कैबेज डालनी है, एंड यू विल बी इन बर्मा
इन नो टाइम। समोसा थोक बनाने की विधि। पैन में तेल गरम करके डालें क्रश्ड लाल मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्च, प्याज, बॉइल्ड काला चना, तुअर दाल, टमाटर का पेस्ट, इमली का पेस्ट और नमक डालकर सोटे करें। फिर डालें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और फ्राई करें। आखिर में डालें पानी, कोकोनट मिल्क और सूप को उबलने दें। समोसा बनाने के लिए समोसा की लंबी पट्टी में किनारे पे फिलिंग रखें और पट्टी को रेक्टेंगुलर शेप में दो बार फोल्ड करें। एंड में पानी और मैदा के लेप से समोसा को सील करें। समोसा को गरम तेल में डीप फ्राई करें। सूप को बोल में पोर करके डालें श्रेडेड पत्ता गोभी, प्याज और समोसे को सूप के बीच में रखें। समोसा थोक को गार्निश करें हरी धनिया से।